नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव। आइए एक नज़र खबरों की ओर डालते हैं। प्रयागराज थाना कर्नलगंज क्षेत्र बुचड़खाना कर्नलगंज की महिला के बेटे मोहम्मद नसीम उर्फ सीबू द्वारा मकान के कमरे को कब्जा कर पीड़ित महिला के साथ कई बार मारपीट झगड़ा कर चुका है। महिला द्वारा प्रशासन से कई बार गुहार लगाने पर नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए शासन और प्रशासन से लगा रही है गुहार। गुहार सुनते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा। इंसाफ पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अब देखना यह है कि महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं। प्रयागराज से फैज हसन की खास रिपोर्ट। मोहम्मद नसीम सीबू 8 साल से बहुत परेशान है। हमको कहीं बीच वाला लड़का यही उसमें सब इसमें डाला हुआ है मकान के, उसमें सब हमने दे दिया, सब कुछ हमसे ले लिया, बाप की जितनी सुनी सब ले लिया, तब भी हमको परेशान करे हैं। अभी लड़कों के नाम फाइल लिखा दिया, ये दखल भी कर दिया हमने, वसीयत भी कर दिया हमने अपने बच्चों के नाम, इसलिए हमको कभी भी कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। सिर्फ सर छुपाने की जगह हमारे पास बची हुई है। मंत्री जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा बस करें, जब महिला की देखभाल करते हैं तो हमारा करें बस, और कोई बात नहीं हमारी, नहीं तो बस ये जान दे देंगे हम हमारी लड़की। अभी जो 18 को मारपीट फिर करा के एप्लीकेशन हमने डाला तो वो उसमें FIR करा दिया दोनों दो लड़कों को, जबरदस्ती वाली FIR करा। हम लोग ने कुछ नहीं किया, मस्जिद बुलाया, मस्जिद में हमसे कसम खाया कि हम खाली कर देंगे 30 दिन, फिर 4 दिन लिया, फिर 5 दिन लिया, फिर कहता हम छोड़ेंगे नहीं, इनको मार डालेंगे, मरवा देंगे। अपने जाते हैं कोतवाली, हमको बुलाया जाता है SDM साहब के यहाँ, गए तो SDM साहब ने हमारी खुद देखभाल करने के लिए बुलाया, हमारे पास आज तक कोई नहीं, और उल्टा हमको ले जाते हैं, बुलाते हैं, हम एक्सरे में बैठ बैठ जाते हैं, बीमार हैं, बीपी के मरीज हैं। अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे लोग को क्या होगा। मंत्री जी हमारा ख्याल रखिए, बस मंत्री जी सुनते हैं, महिलाओं की बहुत सुनते हैं, हम तो आपके पास वहाँ गए, अब हमारे पास पैसा भी नहीं कि हम आपके पास फिर दोबारा आए। हाँ, जगह लगा दिया, जिला अधिकारी के अभी गए, जन सुनवाई में गए, सब जगह हमको आ दिया, साल से परेशान करी हुई है। और जितना मेरे शौहर की पूरा कारोबार ले लिया, पूरा पैसा ले लिया, अपना बना लिया, तब भी नहीं, अब खाली हमारा मकान हमारे पास बचा हुआ है। अब वही हमारे पास दो लड़के हैं, वह है, भैया हम उन्हीं के साथ रहते हैं, ये हमको कुछ देता नहीं। दूसरी बात ये है कि हम जो है सारा एप्लीकेशन उसन आज तक सब जगह गए, मंत्री साहब पास भी गए, मुख्यमंत्री साहब पास पूछते हैं, भैया महिला की बहुत सुनवाई होती है, हम वहाँ तक गए, फिर वहाँ भी लगाए, वहाँ से भी आया, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई है। हर जगह एप्लीकेशन डाल दिया है, अब क्या करें भैया, हमारे पास एक सियानी लड़की भी है, अब जबरदस्ती दबंगई से सब हमारे यहाँ कब्जा भी किए हैं, और जबरदस्ती हमको गाली गलौज मार पीट करते हैं, थाने में जाके बुला के FIR दिखाते हैं और एप्लीकेशन लगवा के FIR लगवा देते हैं। अब बताइए मंत्री जी, तो हम क्या करें, बताइए कहाँ जाएं हम। नीचे सर कमरे में सामान रखा हुआ है हमारा, एक रखे हुए हैं और खाली नहीं कर रहे हैं, अब कहते हैं वहाँ ससुराल से गाड़ी से आते हैं, हाँ कहते हैं कि जो ना अगर वही सपा के हमारा हुआ कुछ कर तो उन्हें खाली नहीं करेंगे, ज़्यादा करोगे तो मरवा देंगे, नहीं तो हम जब मरने कहने से अच्छा है उनके सालों तो हम खुद ही अपना हाथ मातिया कर ले। अब मंत्री जी हमारा ख्याल रखे, मंत्री जी बस हम क्या कर सकते हैं।